हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रेगुलेटर, मोबाइल रेगुलेटर, रियल टाइम क्लॉक, स्पीकर, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है और इनके क्या क्या कार्य होते हैं और इनके ख़राब होने पर मोबाइल में कौन कौन सी खराबियाँ आती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रेगुलेटर के बारे में। मोबाइल फ़ोन की पीसीबी बोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर रेगुलेटर किसी भी सेक्शन में पाया जा सकते हैं। इसकी पहचान है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन की जो पीसीबी प्लेट होती है उस पर रेगुलेटर गहरे काले रंग व 5 से 6 टांगों वाला होता है, जैसा कि आप लोगों ने चित्र में देखा। अब देखते हैं दोस्तों इसका कार्य। यह बैटरी से निकलने वाले करंट को फिल्टर करता है और वोल्टेज को कंट्रोल में करता है। अब देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित खराबियां। रेगुलेटर खराब होने पर करंट फिल्टर व वोल्टेज अनियंत्रित हो जाता है, जिससे संबंधित जितने भी पार्ट्स होते हैं वे काम करना बंद कर देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा, RTC या रियल टाइम क्लॉक। सिंपल सिलिकॉन क्रिस्टल मोबाइल फ़ोन की पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर पावर सेक्शन में पावर आईसी के पास लगा होता है। इसकी पहचान है दोस्तों, यह मेटल व बिना मेटल का बना होता है और लंबाई में बहुत बड़ा होता है। और इसका कार्य होता है दोस्तों मोबाइल फ़ोन में डेट और टाइम को दिखाना व उसको रन कराना। इससे ख़राब होने जाने पर मोबाइल में क्या खराबियाँ होती है तो देखते हैं दोस्तों। RTC या रियल टाइम क्लॉक ख़राब होने पर मोबाइल फ़ोन में तारीख व समय नहीं आएगा और कभी कभार मोबाइल फ़ोन बंद भी हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा वाला, स्पीकर। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि स्पीकर क्या होता है, तो अब मोबाइल फ़ोन में कैसे होता है देखते हैं दोस्तों। स्पीकर डिज़ाइन में कई प्रकार के हो सकते हैं, मगर स्पीकर मोबाइल फ़ोन की पीसीबी प्लेट पर या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर टच पॉइंट से स्पीकर के पॉइंट कनेक्ट होकर कार्य करता है। वह वायर से भी सोल्डर हुआ रहता है और इसका कार्य होता है दोस्तों मोबाइल फ़ोन में कॉल के दौरान आवाज़ को सुनाने का कार्य इसका होता है। देखते हैं दोस्तों इसमें खराबियाँ। अगर मोबाइल स्पीकर ख़राब हो जाए तो हमें कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। स्पीकर ख़राब होने पर कॉल के दौरान सामने वाले व्यक्ति की आवाज़ हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। देखते हैं दोस्तों हम लोग स्पीकर को कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होती है। मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करके रखते हैं। काली व लाल लीड होती है उसे स्पीकर के दोनों पॉइंट पर रखते हैं। फिर मल्टीमीटर के बीप के आवाज़ के साथ 25 से 35 ओम वैल्यू दिखाने पर स्पीकर सही है, और यदि बीप की आवाज़ के साथ 25 से 35 ओम की वैल्यू नहीं दिखाए तो स्पीकर ख़राब हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों चौथा वाला, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इस प्रकार के कैपेसिटर को साधारण कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। मोबाइल फ़ोन पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर या अधिकतर हर पार्ट्स के सेक्शन में लगे होते हैं, खासकर या नेटवर्क सेक्शन में। यह सेक्शन की तुलना में बहुत अधिक लगे होते हैं। कई टेक्नीशियन इसे शॉर्ट में PF भी बोलते हैं। इसके पहचान करने का तरीका है दोस्तों, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर प्रिंटर सर्किट प्लेट पर हल्के काले, पीले और भूरे कलर के होते हैं। इनकी दोनों साइड की स्ट्रिप वाइट कलर की होती है। ये हाइट में रेसिस्टेंस से थोड़े बड़े होते हैं, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इससे कई गुना बड़े होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसका कार्य। यह सिग्नल को फिल्टर करता है
और डायरेक्ट करंट को भी फिल्टर करता है। देखते हैं दोस्तों इसमें होने वाले खराबियाँ। फॉल्टरी हुआ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जिस पार्ट से जुड़ा हुआ होता है उसे डीसी करंट या डायरेक्ट करंट और ट्रैक सिग्नल ना मिलने के कारण वो कार्य करना बंद कर देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पांचवा वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इस प्रकार के कैपेसिटर को पोलर कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। यह मोबाइल फ़ोन के पीसीबी बोर्ड या प्रिंटर सर्किट बोर्ड पर प्रायः किसी भी सेक्शन में लगा होता है, लेकिन अधिकतर सेट्स में या बैटरी कनेक्टर के आसपास लगा होता है। इसको पहचानेंगे कैसे, तो देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या पीसीबी प्लेट पर दो कलर में मिलता है, काले और पीले कलर में। इस कैपेसिटर के काले कलर के साथ वाइट स्ट्रिप लगी होती है और पीले के साथ ब्राउन स्ट्रिप बनी होती है। दोस्तों यह नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से कई गुना बड़ा होता है। अब देखते हैं दोस्तों इसका कार्य होता है दोस्तों करंट को फिल्टर करना और करंट को स्टोर करके रखना। अब इससे होने वाले खराबियाँ। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर खराब होने पर इससे संबंधित जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें करंट न मिलने के कारण जो भी पार्ट्स होते हैं सभी कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे मोबाइल बंद हो जाता है। दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए और किस विषय में वीडियो चाहिए ये हमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।